स्टार पहेली भाग एक, स्टार पजल्स पार्ट वन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दूसरे क्रम यानी सेकंड ऑर्डर की स्टार पहेली को कैसे हल किया जाता है। आज फ्रूटी कहता है, एपी मेरे पास कुछ गृह कार्य है जिसमें मुझे कुछ पहेलियां हल करनी है। तो बोलो क्या तुम उसमें मेरी सहायता कर सकते हो। इतना सुनकर तभी एपी कहता है, हाँ जरूर क्यों नहीं, लेकिन वो पहेलियां हैं क्या। तभी फ्रूटी कहता है, पहली पहेली इस प्रकार है, यह एक दूसरे क्रम की स्टार पहेली है, क्या तुम इसे हल कर सकते हो ताकि इसके दोनों विकर्ण योग यानी डायगोनल सम्स बराबर हो जाएं। प्यारे बच्चों, क्या आप पहेली को हल करने में फ्रूटी की सहायता करना चाहेंगे। बेशक, सही कहा ना। तो आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तभी कुछ सोचकर एपी कहता है, फ्रूटी हम जानते हैं कि एक कैलेंडर में दूसरे क्रम के वर्ग यानी सेकंड ऑर्डर स्क्वायर के विकर्ण योग बराबर होते हैं, इसलिए हम इस पहेली को हल करने के लिए कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। देखो, इस कैलेंडर में इस दूसरे क्रम के वर्ग के विकर्ण योग बराबर हैं, इसलिए हम इन संख्याओं का उपयोग स्टार पहेली को इस प्रकार भरने के लिए कर सकते हैं। यहाँ स्टार योग यानी स्टार सम 14 है। इस तरह हम इस पहेली को कई तरह से हल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तभी फ्रूटी कहता है, अरे हाँ वाकई एपी, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलो अब मैं तुम्हें दूसरी पहेली बताता हूँ। ये एक दूसरे क्रम की स्टार पहेली है, क्या तुम स्टार को इस प्रकार भर सकते हो कि उसका स्टार योग 26 हो। तो प्यारे बच्चों, अब एपी पहेली को हल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो आप भी वीडियो को रोक सकते हैं और पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ मिनटों के बाद सोच विचार करता भी एपी कहता है, ये एक दूसरे क्रम की स्टार पहेली है और इसका स्टार योग 26 है। इस प्रकार से 26 को दो संख्याओं के योग के रूप में दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। अतः इस प्रकार हम स्टार को भर सकते हैं। क्या आपने देखा कि 20 और 6 एक पूरक युग्म यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। इसी प्रकार 12 और 14 भी एक पूरक युग्म बनाते हैं। तो हम स्टार पहेली को हल करने के लिए पूरक युग्म का उपयोग कर सकते हैं। चलो अब मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ भी हम पहेली को हल करने के लिए कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। ये कैलेंडर देखो, इस दूसरे क्रम के वर्ग का विकर्ण योग 26 है, इसलिए हम इन संख्याओं का उपयोग इस तरह स्टार को भरने के लिए कर सकते हैं।
इसी प्रकार हम इन संख्याओं का उपयोग इस तरह स्टार को भरने के लिए कर सकते हैं। इतना सुनकर तभी फ्रूटी कहता है, बिल्कुल सही। और हम स्टार पहेली को हल करने के लिए चार क्रमागत संख्याओं यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें समान रूप से रखी गई संख्याओं यानी इक्वली प्लेस्ड नंबर पेयर्स के युग्म लेने होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ यह समान रूप से रखी गई संख्याओं के युग्म हैं और इनका योग बराबर है। तो इस प्रकार हम स्टार को भरने के लिए क्रमागत संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। तब एपी कहता है, बिल्कुल सही फ्रूटी। इसके आगे फ्रूटी कहता है, मुझे मेरा ग्रह कार्य पूरा करने में सहायता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद एपी। अब मैं और अधिक स्टार पहेलियों को हल करने का अभ्यास करूंगा। चलो अब घर चलते हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि दूसरे क्रम की स्टार पहेली को कैसे हल किया जाता है। फ्रूटी की तरह आप भी ऐसी और स्टार पहेली हल करने का अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।